जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया है। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसका प्रोसेस तो आपको बता ही जाएगा। साथ ही अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए कैसे, कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है, ये आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लें कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और उसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि वैकेंसी 108 पोस्ट पर निकाली थी, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा था और 21 अक्टूबर 2024 तक आपने फॉर्म को भरा था। एग्जाम डेट आपकी 21 नवंबर 2024 रखी गई है। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में और नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहां पर इसमें लॉगिन क्रेडेंशियल के सेक्शन में आकर के सिलेक्ट करेंगे कि आपको आपका एडमिट कार्ड हिंदी के अंदर डाउनलोड करना है या फिर इंग्लिश के, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इंग्लिश सिलेक्ट किया हूं, फिर आप यहां पर आपका राशन नंबर डालेंगे और उसके बाद में आप यहां पर आपका पासवर्ड डालेंगे जो कि आपको राशन करने के बाद में मिला था। अगर पासवर्ड में एरर आ रहा है, ये आ रहा है कि आपकी लॉगिन डिटेल्स गलत है, तो फिर आप यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेस्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेस्ट बुक आपके लिए सपनों की उड़ान बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप सेल लेकर के आया है, जिसमें कि आप 14-15 नवंबर 2024 के अंदर बहुत ही कम प्राइस के अंदर यहां पर टेस्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप टेस्ट बुक के ऊपर जितना भी कॉन्टेंट अवेलेबल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी आपका यहां पर प्राइस रहेगा 14-15 नवंबर में आपको पता चल जाएगा, और उसमें भी अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत 12% की ऑफ मिल जाएगी। तो इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसको बाय करने का लिंक दिया है, जाइए एक बार चेकआउट कर लीजिए और 14 नवंबर से ये ऑफर लाइव हो जाएगा। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं, सपनों की उड़ान का इसका फायदा उठाइए और इसको परचेज कर लीजिए, जाइए और बाय कर लीजिए। यानी कि राशन नंबर डालिए और आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे लिखना होगा उसका एग्जाम्पल आप यहां पर समझ लीजिए। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 02/05/2000, तो आप यहां पर 02 उसमें टाइप करेंगे, फिर ये जो हाइफन है माइनस का निशान है ये भी आपको टाइप करना होगा, फिर आप आपका मंथ लिखेंगे, फिर यहां पर हाइफन लगाएंगे और उसके बाद में जो आपके बर्थ ईयर के बाद के दो अंक है वो आप लिखेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है सन 2000, तो आप बाद में 00 लिखेंगे। अगर 2001 है तो 01, 2002 है तो आप 02। बेसिकली बर्थ ईयर के बाद के दो अंक ही आपको आपके पासवर्ड के सेक्शन के अंदर टाइप करने हैं, सेम फॉर्मेट में जो कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर टाइप करनी होगा, पूरा ईयर आपको यहां पर नहीं लिखना है। उसके बाद गाइज आप ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपका पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, जिसमें कि आप आपका राशन नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल करके सबमिट करेंगे और आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आएगा कुछ इस तरह से, जिसमें कि आपको आपकी जो डेट ऑफ एग्जाम है वो देखने को मिलेगी, रिपोर्टिंग टाइम देखने को मिलेगा, बोला है कि प्लीज अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड साइन अक्रॉस, यानी कि यहां पर आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और उसके ऊपर साइन करने, आधे फोटो के ऊपर और आधे यहां पर नीचे की तरफ होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको यहां पर हैंड राइटिंग सैंपल देखने को मिल रहा है तो जो आपके डिस्प्ले के ऊपर सैंपल आएगा वो आपको वहां पर लिखना होगा, और कौन सी आईडी आप अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जा सकते हैं जो कि ओरिजिनल में लेकर के जानी है, और ये आईडी के अंदर आपका नेम वही होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा हो, तो उस आईडी को यहां पर आपको लिखना होगा कि मैं यहां पर उसको अटैच किया हूं, और साथ ही साथ फिर आईडी का नंबर भी देना होगा। इसके अलावा यहां पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लगाना होगा आपका रूम निरीक्षक के उपस्थिति में, और कैंडिडेट सिग्नेचर, और यहां पर गाइस आपको आपकी जो इंक स्टैंप है वो आपको खुद से लेकर के जानी है। यहां पर सिग्नेचर और यहां पर जो आपके रूम इन्विजिलेटर है यानी कि रूम निरीक्षक है उनके सिग्नेचर होंगे। तो ये मेन चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता दी है, और इस तरह से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके इन डॉक्यूमेंट के साथ में लेकर के जाएंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ओरिजिनल में लेकर के जाना है।
अब अगर आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, मेरे द्वारा कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करके सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, मैसेज के अंदर राशन नंबर, आपका पासवर्ड और साथ ही डेट ऑफ बर्थ, और फिर लिखेंगे नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट एडमिट कार्ड 2024। जितना इंपॉर्टेंट राशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड है, उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट एडमिट कार्ड 2024 लिखना है, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि किस चीज़ की जानकारी और मुझे इसका क्या करना है। एंड देन आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दे दिया जाएगा। सो गाइस, ये थी पूरी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।